weekly sum ups for Ayurveda Ayush therapies this week. Hello, I am speaking Dr. Desh Bandhu Bajpai from KANAK Polytherapy Clinic and Research Center, 67/70 Bhusatoli Road, Parsan Bazar, Kanpur, and is before you. Now today's transmission is in English language for entire global public. Every Sunday we do program for global audiences who understand English well, and generally in all the weekly days we do our transmission in Hindi language, and therefore the population which is not very accustomed with Hindi language cannot understand what is said about the Ayurveda and Ayush therapies. Therefore, we do transmission on Sunday for entire global public who understand English well, and we sum up what we have transmitted in last week in 6 days and describe it and give a glimpse of the video which we have transmitted in last week. Thank you. See the video. Ichthyosis, a very ugly skin disease condition. Hello, मैं डॉक्टर देश बंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर उत्तर प्रदेश भारत से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे रोगी के विवरण के बारे में बताऊंगा जिसको कि इक्थियासिस की शुरुआत हुई है। यह एक तरह का चर्म रोग है जो कि लाइलाज माना जाता है, लेकिन अगर इसका कोई शुरुआती दौर चल रहा है बीमारी का, चर्म रोग का, जो इक्थियासिस चर्म रोग है उसका अगर प्राथमिक अवस्था है, तो ये आयुर्वेद आयुष और होम्योपैथी के इलाज से या यूनानी के इलाज से अवश्य ठीक होता है। यहाँ आपको इक्थियासिस के मरीज के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, ये उदाहरण है यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और इनमें देखिए कि किस तरह के जिस परिवर्तन स्किन में होते हैं, त्वचा में किस तरह के परिवर्तन होते हैं और त्वचा कैसी हो जाती है, किस तरह से खराब लगती है, इसके बारे में आप देखिए। और इसमें जो काले धब्बे पड़ते हैं उनमें कभी कभी बहुत खुजली होती है और बहुत ड्राइनेस रहती है, इतना सूखापन होता है कि स्किन क्रैक्स होने लगती हैं, और क्रैक्स होने के बाद फिर उनमें काले काले धब्बे पड़ते हैं और सब ऐसा लगता है जैसे कि स्क्वायर जैसे है, या हेफेजर्ड वे में छोटे छोटे चैम्बर्स जैसे बन रहे हैं, सेल्यूलर एक्यूमुलेशन जैसा लगता है। और ये सब होने के बाद इसमें कभी कभी बड़ी खुजली होती है, वो खुजली होने से थोड़े से उभार पैदा हो जाते हैं। अब इसको ठंड की वजह से, जाड़े की वजह से इसको दिक्कत हुई है, ये पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही रेयर है। सप्रेसिव डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड डॉक्टर हैनीमैन। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर देश बंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसाटोली रोड बर्तन बाजार कानपुर उत्तर प्रदेश भारत से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने अपनी पुस्तक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एक सप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में लोगों को जानकारी दी है,
जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं और इस वीडियो में आप इसके बारे में समझेंगे कि सप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं। सप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये किस तरह की तकलीफ बयान करने का तरीका है। इसके बारे में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने पहली बार सारी दुनिया को अपने अनुभव और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बताया था कि अगर गलत इलाज से या ऐसी खतरनाक दवाओं के उपयोग से जो रोगों के लक्षणों को तो ठीक करती है लेकिन असली रोग को न ठीक करके उसके रिएक्शन से पैदा दूसरी खतरनाक बीमारियां अथवा रोग पैदा कर देते हैं, ऐसी पैदा हुई बीमारियों को अथवा बीमारी के लक्षणों को सप्रेसिव डिसऑर्डर उन्होंने नाम दिया और ये बताया कि इसको सप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान में इसका बहुत सटीक वर्णन किया गया है। ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनीमैन ने इसका जिक्र किया है और बताया है कि उनका अनुभव गलत इलाज और खतरनाक दवाओं के उपयोग से पैदा शरीर में नए रोगों का आपस में क्या संबंध होता है और इस अध्ययन के क्या परिणाम मिले हैं। उन्होंने उस समय के जो प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल थे उसमें अपने ऑब्जर्वेशन और रिसर्च प्रकाशित कराई है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से खतरनाक दवाओं के उपयोग से एक बीमारी के लक्षण तो कम होते हैं लेकिन दूसरी बीमारियां अवश्य पैदा हो जाती हैं। तो होम्योपैथिक क्योर्स इन इंजरीज एंड एक्सीडेंटल आफ्टर इफेक्ट्स। चोट लगने पर होम्योपैथी की दवाइयों द्वारा इलाज करने की बहुत सुंदर और अत्यधिक बेहतर व्यवस्था। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान एक बहुत ही बेहतर किस्म का चिकित्सा शास्त्र है और इसमें लक्षण के अनुसार बहुत सी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप सब लोगों को कुछ न कुछ होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जानकारी होगी। होम्योपैथी की दवाइयों में जो गुणवत्ता होती है वो बहुत एटॉमिक स्केल की होती है और इसके प्रभाव शरीर पर बहुत ही अच्छे और सुरक्षित होते हैं। चोट लगने पर या चोट लगने की विभिन्न दशाओं पर मैं आपको कुछ होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में बता रहा हूं, इसको समझिए और जानिए। बेलिस पेरेनिस इज ए होम्योपैथिक मेडिसिन विच इज यूज्ड इन मेनी डिजीज कंडीशंस। बेलिस पेरेनिस होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो दो तरीके की बीमारियों में बहुत ही अच्छा प्रभावकारी कार्य है। एक तो ये कि अगर किसी डीप टिश्यूज में यानी बहुत गहरे टिश्यूज में अगर कोई चोट चपेट लग जाए या इंजरीज हो जाए तो उसमें डीपर टिश्यू में और जब सर्जिकल वर्क पूरा हो जाए उसके बाद की स्थिति में बेलिस पेरेनिस एक बेहतर औषधि है और इसका उपयोग इसी स्थिति में किया जाता है। कंसील्ड इंजरी में आर्निका मोंटेना का उपयोग बहुत अच्छा है। इसी तरह लेसिरेटेड इंजरीज में कैलेंडुला का उपयोग बहुत अच्छा है। स्प्रेन्ड इंजरीज में रस्टाक्स का उपयोग बहुत अच्छा है। बोन इंजरीज में सिंफाइटम का उपयोग बहुत अच्छा है और नर्व इंजरीज में हाइपेरिकम का उपयोग बहुत अच्छा है। ग्लैंड इंजरीज में यानी कोई गांठ हो वहां इंजरी हो जाए उसमें कोनियम का उपयोग बहुत अच्छा है और पंक्चर्ड इंजरीज में लीडम पॉलिएस्टर का उपयोग बहुत अच्छा है।
कैपिलरी इंजरी में हेमामेलिस का उपयोग बहुत अच्छा है और इंसाइज्ड इंजरीज में या इंसिज्ड इंजरीज में स्टेफिसेग्रिया का उपयोग बहुत अच्छा है। रबिंग इंजरीज में यानी जैसे हाथों में रगड़ लग जाती है या कहीं रगड़ लग जाती है उसमें एलियम सिपा का उपयोग बहुत अच्छा है। और जल जाने पर यानी कि बर्न इंजरीज में कैंथेरिस का उपयोग बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और दवा है स्ट्रॉन्सिया, उसका भी उपयोग सभी तरह की चोट चपेट में कर सकते हैं और बहुत बेहतर किस्म की औषधि है। तो ये होम्योपैथी की चोट लगने की इमरजेंसी वाली दवाइयां हैं और इनको सब लोगों को अपने घर में प्राथमिक उपचार के तौर पर और एडवांस लेवल के उपचार के तौर पर दोनों लेवल पर अपने घरों में रखना चाहिए और इनका उपयोग करना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथी डॉक्टर से बात करें, उसकी सलाह लें और उसकी सलाह लेकर के दवाइयों का उपयोग करें। आप हमसे भी पूछ सकते हैं और हमारे रिसर्च केंद्र में जैसा कि हम सबको बताते हैं सभी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं और इसमें ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन का उपयोग करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सबको देते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को बताएं। हम आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार और यूनानी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आप भी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर कानपुर, आयुर्वेदा एंड आयुष थेरेपी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और उनका विश्लेषण। हेलो, मैं डॉक्टर देश बंधु वाजपेयी, कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से विटामिन ए की कमी के होने से शरीर में किस तरह की व्याधियां अथवा रोग पैदा हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से पैदा होने वाले रोगों में आंख यानी नेत्रों से संबंधित रोग सबसे पहले आते हैं। इसमें रात में ठीक से दिखाई न देना अथवा रात का अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी कष्ट देती है, रात में दिखाई नहीं देता है। आंखों की बीमारियों को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आंख की बनावट को भी समझ लिया जाए। ये आंख की बनावट है और इसमें ये आप देखिए, ये लेंस है, ये खाली जगह है, ये रेटिना की जगह है और यहाँ से जो है वो देखते हैं इस एरिया से। और जो अंधापन है वो यहाँ पर होता है आँख में, इस जगह पर, ये जो रेटिना है जो वहाँ से रेज आती है यहाँ पर, इस रेटिना पर जो इमेज बनती है उसमें दिक्कत पैदा होती है। जो राड्स होते हैं उनकी गड़बड़ी से, उनके ठीक से काम न करने की वजह से रात में अंधापन आता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो तकलीफ आंख की बताई गई है ये ज्यादा प्रोमिनेंट है और सबसे ज्यादा यही देखने में आती है।
इसके अलावा और भी दूसरी तकलीफ है जिनमें त्वचा से संबंधित यानी चर्म रोगों से संबंधित भी तकलीफें हैं। विटामिन ए की कमी से एक दूसरा रोग पैदा होता है जो चर्म रोग से संबंधित है और इसको फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस कहते हैं। इसमें त्वचा यानी चर्म बड़ा कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है और खुरदरापन आ जाता है, जैसा कि आपने भारतीय किसानों में देखा है। हालांकि त्वचा रोग के जो ये रूप समझाया गया है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस का, यह और भी दूसरी बीमारियों में होता है जैसे कि मिक्सोडिमा है और दूसरी अन्य तकलीफें हैं उसमें भी इसी तरह की तकलीफें होती हैं, लेकिन यह विटामिन ए से भी होता है इसलिए यहाँ आपको बताया गया है। कंजक्टाइवा का सूखापन, इसे जीरोसिस भी कहते हैं, यह विटामिन ए की कमी से होता है और इस रोग में आंख को गीला रखने के लिए पैदा होने वाली नमी विटामिन ए की कमी से जितना पैदा होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसलिए इस सूखापन के कारण जो भी तकलीफें होती हैं उससे आंख में अनावश्यक रगड़ होती है सूखेपन की वजह से, और आंख के जो वाइटल पार्ट्स हैं वो खराब होते हैं और बिगड़ते हैं। जीरोसिस के कारण बहुत सी तकलीफें ऐसी होती हैं जो अंधेपन से जुड़ी हुई होती हैं, और अगर इसमें लापरवाही की गई तो फिर बच्चों में या बड़ों में, बड़ी उम्र वाले या छोटे बच्चे, उनमें अंधापन होना शुरू हो जाता है। बच्चों में ये तकलीफ अगर आँख में हो रही है तो समझना चाहिए कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है और तुरंत ही किसी नेत्र चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। आजकल बच्चों में ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, इसलिए बहुत सतर्कता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं उनके अंधापन होने की प्रक्रिया न शुरू हो जाए। इसलिए सतर्क रहिए, विटामिन ए की डिफिशियंसी बहुत खतरनाक है, खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए तथा बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए भी। इसके अलावा विटामिन ए की डिफिशियंसी से और भी बहुत सी तकलीफें होती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर किस्म की होती हैं और उनका अपीयरेंस बहुत जनरल किस्म का नहीं है। इसलिए जैसे ही सबसे बेहतर तरीका है, जैसे ही कोई तकलीफ लगे अपने फैमिली डॉक्टर से या आपके नज़दीक कोई भी डॉक्टर है उससे सलाह लेकर के और तुरंत ही चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए, पथ्य परहेज करना चाहिए, जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और जो भी स्वास्थ्य सुधार के लिए हो सकता है वो उसके लिए प्रयास करने चाहिए। हमारा उद्देश्य आप सबको नई से नई जानकारियां देना है और जो भी शरीर के अंदर तकलीफें होती हैं उनके बारे में पहचान करने के लिए आपको ये सब वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विज्ञान के प्रसार और प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को भी बताएं। हमारे चिकित्सा केंद्र कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, वो चाहे कोई भी हो और उनका कोई भी नाम दिया गया हो, वो किसी भी तरह की हो, सभी तरह की बीमारियों का इलाज ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन, जो आयुर्वेद के सबसे अत्याधुनिक निदान ज्ञान और बीमारियों का पता लगाने के लिए आयुर्वेदिक स्कैन है, उसके द्वारा सारे शरीर की जांच करके पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की बीमारी है और उसका क्या नेचर है। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।
कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बरसन बाजार कानपुर यूपी इंडिया। मोबाइल 8604629190। आयुर्वेदा होम्योपैथी यूनानी ट्रीटमेंट। विटामिन ए की अधिकता से शरीर में होने वाले रोग, विटामिन ए एक्सेस काजेज डिसीज। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर देश बंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बरसन बाजार कानपुर उत्तर प्रदेश भारत से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको विटामिन ए की अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान करिएगा, विटामिन ए जब शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच जाता है तो इसको विटामिन ए की हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, यानी विटामिन ए का शरीर में अधिक पैदा होने लगना यह भी एक तरह की शारीरिक बीमारी पैदा करता है और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। लंबे समय तक विटामिन ए के खाने से कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया, भूख का नगला, भोजन से अरुचि और वेट लॉस यानी वजन का धीरे धीरे कम होने की समस्या और मुख और दांतों और मसूड़ों की तकलीफें यानी मुंह और दांत की परेशानियां, मुख के किनारे किनारे गीला सफेद सा कट जाना और गीला गीला सा रहना, त्वचा का सूखी और खुरदरी हो जाना यानी त्वचा का खराब हो जाना, सिर के बालों का गिरना, सिर के बालों का झड़ना, ये सब तकलीफें, नाखूनों का फटना और नाखूनों का टूटना या सूखना, बड़ी जल्दी टूटना और खून में कैल्शियम की मात्रा का अधिक पाया जाना, कैल्शियम का शरीर के किसी भी अंग में जमना और पथरी बनना या पथरी जैसी बीमारियां होना और इसके अलावा यकृत और प्लीहा की कोई भी बीमारी और उसमें कैल्शियम का जमना, सिरोसिस जैसी बीमारियां कैल्शियम की अधिकता से ही होती हैं और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जो किसी भी तरीके की हों वो इससे पैदा होती है। शरीर में रक्त सीरम की सामान्य मात्रा 400 माइक्रोग्राम होती है और समझ लिया होगा कि विटामिन ए की अधिकता से शरीर में अगर रक्त सीरम में विटामिन ए अत्यधिक सामान्य से अत्यधिक मिलता है और शरीर में ज्यादा कैल्शियम जमा होता है तो उसमें किस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनसे बचने की जरूरत होती है। असल में बहुत सी ऐसी तकलीफें होती हैं जो अत्यधिक कैल्शियम होने से पैदा होती हैं लेकिन उनकी डायग्नोसिस सही नहीं हो पाती है, इस कारण गलत इलाज होने की बहुत संभावना होती है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसी तकलीफें विटामिन ए के अधिक हो जाने से शरीर में पैदा होती हैं उनकी तरफ बहुत से चिकित्सकों का ध्यान भी नहीं जाता है और इसलिए गलत इलाज होने की संभावना भी बनी रहती है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। हमने केवल आपको जानकारी दी है कि विटामिन ए की अधिकता से कौन कौन सी तकलीफें हो सकती हैं, इससे और भी अधिक बीमारियां होती हैं विटामिन ए की कमी अधिक होने से, तो इसलिए उनका जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी जानकारी के लिए आपको इतना बताया गया है। हमारे चिकित्सा केंद्र में कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, वो चाहे कोई भी हो, और आयुर्वेद की जो सर्वश्रेष्ठ निदान ज्ञान की तकनीक ETG आयुर्वेदा स्कैन है वो उसकी सुविधा हमारे ही केंद्र में उपलब्ध है और देश और विदेश से लोग हमारे यहाँ निदान ज्ञान के लिए आते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ प्राप्त करते हैं।
इसके अलावा आयुर्वेद की रक्त सीरम की परीक्षण करते हैं, जिससे कि पता लगता है कि किस तरह के सिंड्रोम्स और कौन कौन सी शरीर के अंदर व्याप्त केमिकल हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम पता करते हैं और भी बहुत सी बातों का पता होता है। आयुर्वेद के मूत्र परीक्षण से भी पता करने का प्रयास करते हैं कि शरीर के अंदर किस तरीके का है। इसके अलावा जो आयुर्वेद के हिसाब से जो विटामिन ए है वो पित्त की गड़बड़ी की वजह से होता है, यानी पित्त यानी अग्नि, यानी कि जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर के अंदर, ये उसकी कमी की वजह से होता है। इसलिए पित्त का, जिनको विटामिन ए अधिक है वो पित्त के परहेज से परिचित हों और उसका उपयोग करें तो उनके विटामिन ए की समस्या सुधर सकती है। और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा का सम्मिलित इलाज अगर किया जाए तो अवश्य विटामिन ए की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं और आयुर्वेद के प्रसार प्रचार में भागीदार बने। धन्यवाद। डॉक्टर देश बंधु वाजपेयी, कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, कानपुर। वात रोगों में क्या करना हितकारी है, व्हाट हेल्प्स इन वात रोगा, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर देश बंधु वाजपेयी, बीएमएस आयुर्वेदाचार्य, एमडी मेडिसिन। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर देश बंधु वाजपेयी, कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको आयुर्वेद में बताए गए वात रोगों के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करूँगा और आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए जिससे कि वात दोष शांत रहे और वो ज्यादा पनप ना पावे। सभी तरह के वात रोगों में रुच्छता बहुत रहती है, यानी कि सूखापन बहुत होता है। इसका कारण यह है कि शीत लगने से या ठंडक लगने से पसीना आना कम हो जाता है और शरीर के नीचे की त्वचा सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है और वहाँ जो रक्त संचालन है वो थोड़ा कम होता है। बहुत सी चीजें त्वचा के ऊपर नहीं आ पाती हैं, इसलिए रुच्छता आती है और ठंडक लगने से ये रुच्छता और बढ़ती है। वात रोग में दूसरा प्रमुख लक्षण है शीत से यानी ठंडक से रोगों का बढ़ना। जितनी भी तकलीफें होती हैं वो सब ठंडक से बढ़ती हैं और शीत ऋतु में जो जाड़े के दिन होते हैं उसमें वात रोग बढ़ने का विधान बताया गया है। इसलिए शीत से जितने भी वात रोग होते हैं वो सब के सब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हैं और ज्यादातर जो दर्द होते हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं। इसके अलावा और भी तकलीफें होती हैं जो एक्सपोजर ऑफ कोल्ड से या ठंडक से रिलेटेड होती हैं, तो जो भी तकलीफें जाड़े के दिनों में होंगी वो वात रोग से अवश्य होंगी, उनमें वात रोग अवश्य प्रोमिनेंट होगा ऐसा माना जाता है। रुच्छता और शीत के होने की वजह से, यानी ये दोनों गुण मिल जाने से वात रोग बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है और शरीर की मांसपेशियां, रक्त संचालन तथा दूसरी अन्य गतिविधियों पर इसका असर पड़ता है, जिससे कि मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की क्षमता कम होती है। ठीक उसी तरह ठंडक से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या रुच्छता से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और जो पूरे संस्थानों को, सारे शरीर को कंट्रोल करता है, उसके कार्य में बाधाएं पैदा होती हैं जिससे कि मेटाबॉलिज्म जैसी शिकायतें तैयार होती हैं। आयुर्वेद कहता है कि वात रोग के शमन के लिए या वात रोग के इलाज के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला यह है कि गर्म
वस्तु का उपयोग करना या गरम का सेवन करना या गरम कमरे में रहना या गरम वस्त्र पहनना या गरम का उपयोग करना, एक तो ये। और दूसरा आयुर्वेद कहता है ओइलिएशन, यानी कि तेल का, चर्बी का, वसा का, फैट का या किसी चिकने पदार्थ का, घी तेल जैसी चीजों का उपयोग, मक्खन जैसी चीजों का उपयोग आम दिनों की तरह जब तक तकलीफ कम न हो जाए तब तक उसका सेवन करना, ये आयुर्वेद का निर्देश है। दो चीजें इस्तेमाल करने से, यानी गरम का और तेल का, जो ऑयली चीजें हैं उनका इस्तेमाल करने से वात रोग शांत होते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। वात रोग की चिकित्सा के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप जिस शहर में रहते हैं या आप जहां पर भी हैं, वहां आप अपने नजदीक के किसी फैमिली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से बात करिए और उसको अपनी तकलीफ के बारे में समझाइए। वो आपको बताएगा कि जो गर्म के उपयोग हैं या फैट के उपयोग हैं वो किस तरह से किए जा सकते हैं और उससे क्या लाभ उठाया जा सकता है। यह केवल एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बता सकता है। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं और ये वात रोग जब अलग अलग और दूसरे हिस्सों में बांटे जाते हैं तो वो हजारों की संख्या में हो जाते हैं, इसलिए इस जो सीमित किया है उसको 80 वात प्रकार के वात रोगों में ही सीमित किया है। हमारे रिसर्च संस्थान में सभी 80 प्रकार के वात रोगों का इलाज किया जाता है और हम आधुनिक निदान ज्ञान की तकनीक ETG आयुर्वेदा स्कैन यानी इलेक्ट्रो त्रिदोषोग्राफी का उपयोग करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि वात रोगों की जेनेसिस कहाँ से हुई है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपका कोई परिचित वात रोग से परेशान है तो उसको हमारे संस्थान के बारे में बताइए और उसको जानकारी दीजिए और आयुर्वेद के प्रसार प्रचार में आप भी भागीदार बने। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। वी ट्रीट ऑल डिजीज कंडीशंस वेयर दे आर डायग्नोज्ड आर अनडायग्नोज्ड।